ये आज एक चैंपियन फिल्म जो जो मेरी शूटिंग हो रही है उसका एक सॉन्ग का यहाँ पे आज क्लब में है और बस ये डिमांड के हिसाब से है। तो किस फिल्म की शूटिंग हो रही है और क्या क्या सीक्वेंस आपको गाने में देखने मिलने वाले हैं? ये चैंपियन की शूटिंग हो रही है और इस गाने में विदेशी बालाएँ हैं, ये गाना क्लब का सीक्वेंस है और हम लोग एक सीन में यहाँ पे आए और यहाँ पे गाना हो रहा है। उनको भी इंट्रोडक्शन करवा ये हमारी फिल्म की हीरोइन मोनिका रॉय जी हैं जो मेरे अपोजिट हैं और ये मेरे साथ इनकी पहली फिल्म है और काफ़ी अच्छा लग रहा है साथ काम करके। मोनिका जी कुछ बताइए फिल्म के बारे में, इस गाने के बारे में। जहाँ तक फिल्म की बात है तो कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत डिसेंट है और गाने तो आप सुन के जा रहे हो, गाने भी अच्छे हैं क्योंकि पूरे गाने की जितनी भी वर्डिंग्स है सब राजू जी पे ही है। तो पूरी उनकी रियल लाइफ से ही जुड़ी हुई है और गाने बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, एक जगह वो गाने में डाल दिया गया है, बाकी गाना ये उत्तर प्रदेश लेवल पे है, मतलब उत्तर प्रदेश के लाला, तो एक जगह आजमगढ़ भी आ गया है क्योंकि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ तो उसे भी हाईलाइट किया हूँ। नहीं है, इसके पहले भी मैं फिल्म की हूँ, जैसे आप पता होगा गैंगस्टर दुल्हनिया अभी कुछ दिनों में रिलीज़ होने वाली है शायद जून में और ये मेरी सेकंड बड़े बजट में सेकंड मूवी है राजू जी के साथ। राजू जी और कहाँ कहाँ फिल्म की शूटिंग की जाएगी और क्या क्या लगेगा? इसकी पूरी शूटिंग बॉम्बे में होगी और ये 15 जून तक पिक्चर पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं चाँद के पार चलो, जो कि हम उन्हीं का साथ में हैं, फिलहाल तो प्लानिंग में है। नहीं, इस फिल्म में मैं हीरो ही हूँ और मैं अभी 3 फिल्में बतौर हीरो कर चुका हूँ, 3 बुड़बक और एक राधा 2 भी आप देखी होंगी, तो अब उसी सिलसिले में अभी ये चालू हो गया है, अभी मैं पॉजिटिव भी करूँगा। हम बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि भोजपुरी में मेरे हीरो यही है, इसलिए बहुत अच्छी वाली फीलिंग है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी, और कौन कौन सी फिल्में हैं आप कुछ बताइए? अभी तो रिलीज क्लब के लिए कुछ भी करेगा और उसके बाद दिलवाले भी है और 2-3 फिल्में अभी रिलीज में मिली हैं। तो ये जो गाना है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये गाना बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश से पहली बार गाना बना है ये और काफ़ी अच्छा यश कुमार ने म्यूजिक दिया है तो बहुत ही अच्छा लगेगा दर्शकों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।